नमस्कार। हॉरोस्कोप मैच मेकिंग ये सब्जेक्ट है आज का। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र और मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जन्म पत्री मिलान होगा कि नहीं होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। रोहिणी नक्षत्र जो कि वृषभ राशि के अंदर है और उत्तराषाढ़ा जो है वो धनु एवं मकर राशि के अंदर हैं। तो धनु राशि में प्रथम चरण है और बाकी के तीन चरण जो हैं उत्तराषाढ़ा के, ये मकर राशि के अंदर हैं। अब उत्तराषाढ़ा और रोहिणी का जो योनि देखें, क्योंकि शादी ब्याह के मिलान के अंदर योनि दोष देखना बहुत जरूरी है। तो योनि दोष यदि बनता है तो जो जातक है मेल एंड फीमेल, इनको एक तो सेक्स के अंदर मज़ा नहीं आएगा, सेक्सुअल रिलेशन ठीक नहीं रहेगा या बन ही नहीं पाएगा, ऐसी कोई समस्या होगी। दूसरा, आने वाली जो संतान है उसको भी कुछ प्रॉब्लमेटिक होगी, उसको भी बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है योनि दोष के कारण। योनि शत्रु होने के कारण कांस्टेंट ऐसे जाता एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र की जो योनि है जो वृषभ राशि के अंदर है, इसकी सर्प योनि है, और जो उत्तराषाढ़ा है धनु एवं मकर राशि के अंदर उसकी योनि नकुल है। नकुल माने नेवरा, सर्प माने सांप, ये संस्कृत शब्द है दोनों। तो नकुल माने नेवला, और नेवला जो है वो सांप का कट्टर दुश्मन है, और ये दोनों साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। तो शत्रु योनि में ये एक जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, साथ में थोड़ी देर भी बैठे तो कुछ ना कुछ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो नक्षत्र के हिसाब से योनि दोष में शादी नहीं करना चाहिए। और जो आजकल सभी ऑनलाइन देख रहे हैं, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर गुण देख के कि हाँ 18 के ऊपर गुण है तो चलो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। नक्षत्र में जो हम बात कर रहे हैं जनरली गुण मैच की बात करते हैं, ये तो खाली चंद्र का गुण है होता है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बाकी सूर्य के नक्षत्र मैच करने से फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा, मंगल के नक्षत्र मैच करने से पता चलेगा कि ब्लड रिलेटिव्स के कारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, दोनों के ब्लड रिलेटिव्स। बुध के नक्षत्र मैच करने से पता चलेगा कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा। गुरु के नक्षत्र मैच करने से पता चलेगा कि दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। शुक्र के कारण आपको पता चलेगा, शुक्र के नक्षत्र मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में फिजिकल लव रिलेशन कैसा रहेगा। शनि के नक्षत्र एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के लिए एक दूसरे की सेवा भावना है कि नहीं है। और राहु के नक्षत्र मैच करने से बन सके सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पता चल सकता है कि दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन कैसा रहेगा। तो खाली गुण देख के शादी ब्याह करना एडवाइजेबल नहीं है, एक्सपर्ट के पास जाके आप हर ग्रह के नक्षत्र मैच करवाएं। और यदि आप भी अपना हॉरोस्कोप मैच करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका आने वाला समय शुभ रहे। गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड।